बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आगाज़ करती हूँ मैं इस वीडियो का इन प्यारे प्यारे फूलों से। देखिए आज मेरे गार्डन में कितने प्यारे प्यारे फूल निकले हुए हैं, ये देखें। ये देखिए गुलाब का फूल, माशाल्लाह कितना खूबसूरत निकला हुआ है। वेल व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करूँगी बिल्कुल ठीक होंगे, अपने घरों में खैर आबाद होंगे और सलामत होंगे। वेलकम टू अवर चैनल QHU-TV। उम्मीद करूँगी कि आज की वीडियो भी मेरी आपको बहुत अच्छी लगेगी, और अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा और मेरी इस वीडियो को एक बिग थंब दीजिएगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हो? उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल खैरियत के होंगे, खुशबाश होंगे अपने घरों में। अल्लाह आप लोगों को आबाद रखे। व्यूअर्स, आज जिस पौधे के बारे में मैं आपको बताने लगी हूँ वो है ये कलंचू का पौधा, जिसको कालनकोई भी कहते हैं, कलंचू भी कहते हैं। ये देखें कितना खूबसूरत पौधा है, बहुत खूब इसको बंच की सूरत में फूल लगते हैं, ये देखें। और इसको अभी मेरे पौधे को फूल खिले हुए हैं और इसके फूल तकरीबन ख़त्म हो गए हैं। तो व्यूअर, जब इसके फूल ख़त्म हो जाए तो आपने क्या करना, आपने इसको ऐसे कट कर देना है, ये देखें, ये इसको ऐसे कट कर देना है, ये देखें यहाँ से ये मैंने कट कर दिया। अब ये और बढ़ेगा। और व्यूअर्स, नर्सरी तो जा नहीं जा रहा लॉकडाउन है क्योंकि, तो कुछ खास नहीं हो रहा। तो मैं आज आपको इसकी प्रोपगेशन बताती हूँ कि इसको कैसे प्रोपगेशन करते हैं। ये देखें, ये छोटी सी एक टहनी है, इसको लगा दें तो ये यहीं से अपनी ग्रोथ बढ़ा लेगा। ये देखें, ये इतनी छोटी सी टहनी से अपनी ग्रोथ बढ़ा लेता है, कभी कभी तो ये पत्ते से भी हो जाता है। ये देखें, ऐसे इसको करना है मिट्टी को और इसको ऐसे मिट्टी में लगा देना है। ये देखें, ये मैं पत्ते भी लगा देती हूँ, ये देखें, ये पत्ते से भी हो जाता है। इसकी भी सॉइल वैसे ही वेल ड्रेन होती है, इसको पानी की इतनी ज़रूरत नहीं होती, इसको जो है 2-3 दिन बाद, क्योंकि ये भी सर्कुलेंट फैमिली से है, इसके भी पत्ते में पानी होता है। तो इसको देखें, इसको सनी शेड में रखना चाहिए, इसको ज़्यादा धूप नहीं, अगर इसको ज़्यादा धूप लगेगी तो फिर इसके पौधे ऐसे काले काले से हो जाएंगे, ब्राउन से। और अगर ये छाए मारा है रहेगा तो फिर ये ग्रीन रहेगा, इसके पत्ते ग्रीन रहेंगे ऐसे। वैसे वो ब्राउन पत्ते भी इसके प्यारे लगते हैं, रेड फूल ऊपर ब्राउन पत्ते वो भी प्यारे लगते हैं। लेकिन अगर ये सर्दियों की धूप तो ठीक है, लेकिन गर्मियों में इसको साए में रखें, ग्रीन नेट के नीचे रखें या किसी सायेदार पौधों के रखें। व्यूअर्स, लाहौर में तो रात को बहुत तूफान आया, आप बताएं अपनी तरफ का मौसम का बताएं, आपकी तरफ कैसा मौसम है? और इसको भी बस इतना पानी नहीं देना कि इसकी जड़ें गल जाएँ, बस इसको दरमियाना सा पानी देना है। एक दिन गर्मी हो तो, एक दिन सर्दी हो तो, 3-4 दिन भी गुजर जाते हैं इसको पानी से। और इसके वर्मी कंपोस्ट देनी है, लिक्विड फर्टिलाइजर भी दे सकते हैं आप लोग। व्यूअर्स, देखें मैंने सीजलिंग की हुई है खीरे की, और ये घिया लगा हुआ है, कद्दू लगा हुआ है, देखते हैं अभी ये कैसे ग्रो होते हैं।